छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार सहित ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया और घटना से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। बता दें कि ये घटना अलीगढ़ के थाना पिसाबा इलाके के गांव बुलाकीपुर की है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइट की चपेट में आकर करीब 35 वर्षीय कालू नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ये पांचवी घटना है, जिसमें अब तक इस घटना समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है, इतनी घटनाएं होने के बाद भी विद्युत विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न तो छत के ऊपर से हाई टेंशन लाइट को हटाया गया और न ही इसका कोई दूसरा हल निकाला, जिससे कि इस हाई टेंशन लाइट से गांव के लोग सुरक्षित रह सके। ग्रामीणों ने कहा है कि घटनाओं के बाद सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हो सका और अब नाराज और हताश ग्रामीणों व परिजनों ने शव को घर के बाहर रखकर अंतिम संस्कार न करने से इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक इस हाई टेंशन लाइट को नहीं हटाया जाता या अधिकारियों द्वारा लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता, जब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं पहुंची पुलिस ने भी ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर डटे रहे। जवान भैया मेरे बच्चे नहीं है, वो पे बच्चे नहीं है, पे कोई बात नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है इनकी बात को, मेरी बात को प्रशासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। मेरा नाम यवंत कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि मेरा भाई मतलब बिजली ने पकड़ लिया है, घर के ऊपर से हो गए मतलब 11,000 की मतलब जारी लाइन, तो वो 1 बजे रात को बिजली पकड़ लिया, उनकी मतलब डेथ हो गई। तो ये पुलिस वाले यहाँ पे आए हैं तो सद्भावना दे रहे हैं, ये वैसे झूठे बातें कर रहे हैं। वैसे तो बिजली विभाग से नहीं आया कोई? बिजली विभाग से मतलब आए थे, वो भी मतलब वैसे ही दे रहे हैं, झूठे बातें कर रहे हैं। किस जाति से हैं सर आप? जाटा जाति। तो फिर कोई पुलिस का अधिकारी नहीं आया? बड़ा पुलिस का अधिकारी मतलब एसडीओ साहब आए थे, मतलब वो भी मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। फिर हम आपकी मांगे पूरी नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्या मांगे आपकी पूरी? हमारी मांगे ये है लाइन जारी करके ऊपर होके वो हटनी चाहिए। कितने लोग अभी तक चपेट में आए इसकी में? करीबन आ गए, करीबन 5-7 मतलब लोग आ गए। तो प्रशासन ने अभी इसकी डेथ हो गई है, अभी 3-4 महीने पहले मतलब एक की डेथ भी हुई थी एक लड़के की। प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं? कुछ कार्रवाई नहीं। प्रशासन बोलता है हमारे पास फंड नहीं है, आते हैं आगे चले, हमारे लिए फंड अगर आप अपने दम पे कराना चाहते हो तो हम कल ही कर देंगे। आजाद नाम है मेरा जी। सर क्या मामला है सर पूरा? ये कौन सा मामला? ये है जी, रात को हमारा भाई बिजली ने पकड़ लिया, छत के ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है। 4 महीने पहले भी एक हादसा हुआ था, जो जवान 21 साल का लड़का खत्म हुआ था, आज हमारा भाई 36 साल का खत्म हुआ है इस बिजली के वजह से। 4 महीने पहले महकमे बोला था कि हम इसका काम कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, और आज भी हम उसी पे खड़े हैं जो हमारे घर में मौत हो गई। मेरे भाई के पास कोई बच्चा नहीं था, 11 साल शादी हो गई, आज वो भी छोड़ के चला गया। कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था? 1 बजे रात के 1 बजे की घटना है। पर अभी तक दाग क्यों नहीं लगाया? पुलिस नहीं आई, प्रशासन नहीं आया, क्या दिक्कत? कोई हमें दिलासा नहीं दे रहा है कि हम इसका ये काम कर देंगे या लाइन हटवा देंगे, बस यही कह रहे हैं हम करेंगे, कब करेंगे कोई लिखित में नहीं दे रहा, कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? तो हमारे प्रशासन की तरफ से कोई आया है? कुछ भी नहीं आया, खाली फोर्स भेज रखी है हमें डराने के लिए, जिससे हम डरे रहे, हम बात ना रखें अपनी। और हमारे ये महिला है बेचारी अनपढ़ है, ये बोल नहीं पाएंगी, हमारे बुजुर्ग हैं वो भी नहीं बोल पाते, इसलिए पुलिस भेज दिए जो हम चुप रहे। तो अब आगे क्या कार्रवाई है? आगे यही है कि हमारी ये लट्ठे को यहाँ से हटा दिया जाए, तारों को हटा दिया जाए, और हमें यह आश्वासन दिया जाए, लिखित में दिया जाए कि ये इतनी तारीख तक हट जाएगा, जिससे हम अब दाह संस्कार कर दें। जब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। कब करेंगे आप दाह संस्कार? जब तक ये लिखित में नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर में हमारे परिवार में आसपास में दोबारा से हादसा हो, उसका इंतजार हम नहीं करेंगे। तीन हादसा है, तीन लगातार हादसे हुए, 4 महीने पहले हुआ था। क्या नाम है आपका? पवली। कहाँ के रहने वाली है? दूलापुर। क्या मामला हुआ है यहाँ? मामला ये हुआ है, मुझे लाइन हटनी चाहिए, मुझ पे बच्चे नहीं है, नहीं मुझ पे कुछ है। मेरा पति रात 1 बजे खत्म हो चुका है। फिर अभी तक क्यों रख रखी है बॉडी को? क्या मांग है आपकी? लाइन नहीं हटा रहा घर के ऊपर से, लाइन नहीं हटा रहा। दूसरा कोई बोलो, दूसरा कोई बोलो। क्या क्या किसान है ये? किसान लोग मजदूर हैं, मजदूर हैं, मजदूर हैं, मजदूर हैं। अच्छा खेती है इनके नाम? नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं इन पे? एक भी नहीं। अच्छा गोद लिया था, एक बच्चा गोद लिया था।
एक बच्चा गोद लिया सब। फिर आप कहाँ बॉडी को लेकर जा रहे हैं? हम ये सुनाई नहीं कर रहे हैं तो क्या लेके जाएंगे? क्योंकि सुबह से प्रशासन नहीं आया यहाँ कोई? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहें ET न्यूज इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें ET न्यूज इंडिया, डिजिटल युग की नई आवाज।